मसूदपुर गांव में वसंत कुंज के निगम पार्षद के द्वारा गली निर्माण कार्य को पूरा कराया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मसूदपुर की, जहां पर पिछले काफ़ी सालों से बदहाल पड़ी थी गली की सड़कें और बरसात के मौसम में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए गली का निर्माण कराया गया और साथ ही उनको इस समस्या से निजात दिलाई गई। साथ ही क्षेत्र की जनता ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये गली है उसके बनने के बाद लोगों को ये गली समर्पण कर दी गई है, जिसके बाद लोगों ने भी पार्षद मनोज महलावत का धन्यवाद व्यक्त किया। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो है आज नारियल फोड़ कर ये गली जो है लोगों को समर्पण कर दी गई है, जिससे कि अब लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। खुद आपको बता दें कि निगम पार्षद मनोज महलावत ने इस गली के बनने के समय यहाँ पर मौजूद होकर इस गली का निर्माण कार्य कराया। काफ़ी सक्रिय गली होने की वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से काफ़ी सालों से ये जो गली है इसी तरीके से बदहाल थी, लेकिन इसको वक्त रहते ही लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए पार्षद के द्वारा इस गली निर्माण को कराया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से गली निर्माण होने के बाद लोगों ने पार्षद का धन्यवाद व्यक्त किया। ये लो ये कितने दिन से ये सड़क जो है बदहाल पड़ी थी, कितनी समस्या हो रही थी? ये कई साल से ऐसे ही पड़ी हुई थी और ये मनोज जी की मेहरबानी से जो है ना ये अभी अभी जो है ना एक हफ्ते पहले बन गई है और आज इसका उद्घाटन हो गया है। मनोज जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। अच्छा, और भी कहीं गलियां हैं आप लोगों के मसूदपुर में? है एक आध गलियाँ हैं, छोटी छोटी हैं, वो भी अगर हो जाएंगी, मनोज जी ने कहा है कि हो जाएंगी तो हो ही जाएंगी। अब वो जी बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों है आप लोग अपने क्षेत्र में करा रहे हैं, क्योंकि सड़क जो है जल्दी से जल्दी बन नहीं, और कितनी जगहों पर क्या क्या दिक्कतें हैं उनको खत्म करेंगे? देखिए क्षेत्र तो एक दूसरे नंबर पे बोलेंगे, पहले तो मेरा गांव राम है और मसूदपुर गांव में पले बड़े हैं और घर में तो जैसे हमारे भाई खड़े तो बचपन में यहाँ आते थे, तो दादा शोलाल प्रधान की गली के नाम से इस गली को जानते हैं। तो जब आना जाना होता तो काफ़ी बदहाल थी, कई बार हमारे बड़े भाई ने हमारे बाकी भाइयों ने बोला कि भाई ये गली बनानी, तो हमारी नज़र में थी, तो हमने जैसे ही जैसे बजट मिलता जा रहा है हम अपने क्षेत्र के उन एरिया को टच कर रहे हैं जहाँ आज तक विकास कार्य हुए नहीं और किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाई, तो हमने ऐसा अपने क्षेत्र में ढूंढ ढूंढ के उन स्थानों को जहाँ पर हम विकास कार्य की बहुत दरकार है वहाँ पर हम विकास कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारे बड़े भाई छोटे भाई हमारे दोस्त और गाँव वासियों का क्षेत्रवासियों का हम हर स्टेज पर प्लेटफॉर्म पर हमारा पूरा सहयोग पूरा साथ पूरा हमारा हमेशा आशीर्वाद रहता है, उसी से एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी के रास्ते बढ़कर हम इन विकास कार्य को अंजाम दे पाते हैं।